लास्ट रोड ऑफ द अर्थ। आपने शायद ही कभी दुनिया की आखिरी सड़क के बारे में सुना होगा। आज हम आपको ऐसी ही एक सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया की आखिरी सड़क यानी के लास्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं ज्ञान बॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और आपको वीडियो लाइक करने में एक सेकंड लगेगा, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दरअसल उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल पृथ्वी का सबसे सुदूर बिंदु है, जहाँ पर पृथ्वी की धुरी घूमती है और यह बिंदु नॉर्वे के आखिरी छोर पर स्थित है। यहाँ से आगे जाने वाले रास्ते को ही दुनिया की आखिरी सड़क माना जाता है। इस सड़क का नाम E69 है, जो कि पृथ्वी के छोर और नॉर्वे को आपस में जोड़ने का काम करती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस सड़क के आगे कोई भी अन्य सड़क नहीं है, क्योंकि इस सड़क के आगे सिर्फ और सिर्फ बर्फ और समुद्र ही दिखाई देता है। इस सड़क की लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है। इस हाईवे पर कई ऐसी जगह हैं जहां पर पैदल चलना या गाड़ी चलाना भी मना है। इस सड़क पर जाने के लिए आपको अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर जाना पड़ेगा और इसके पीछे का कारण ये है कि इस हाईवे के चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी रहती है, जिसमें आपके खो जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए इस सड़क पर किसी को भी पैदल या अकेले नहीं जाने दिया जाता है। यह सड़क उत्तरी ध्रुव के पास होने के कारण कभी कभी तो यहाँ पर लगभग 6 महीने तक सूरज नहीं दिखाई देता है, और ऐसा ही गर्मियों में होता है। गर्मियों में यहाँ पर कई महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं है, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। सर्दियों में इस जगह का तापमान -43 डिग्री तक पहुँच जाता है और गर्मियों में इस जगह का तापमान औसतन 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर इतना ठंडा मौसम होते साथे भी यहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ मछलियों का कारोबार होता था, लेकिन साल 1930 में इस जगह का विकास होना शुरू हुआ। करीब 4 साल बाद यानी कि 1934 में यहाँ के लोगों ने मिलकर एक फैसला किया कि यहाँ पर सैलियों का भी स्वागत किया जाना चाहिए, ताकि उनकी कमाई का एक और जरिया बन जाए। उसके बाद यहाँ पर तमाम तरह के रेस्टोरेंट और छोटे छोटे होटल बन गए। अब दुनिया भर से लोग उत्तरी ध्रुव घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों को एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। यहाँ पर डूबता हुआ सूरज और पोलर लाइट्स को देखना बहुत ही रोमांचक होता है। यहाँ पर आपको गहरे नीले आसमान में कभी कभी हरी तो कभी कभी गुलाबी रोशनी देखने के लिए मिलती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पोलर लाइट्स को अरोरा भी कहा जाता है और यह रात के समय दिखाई देती है। तो दोस्तों, क्या आप भी लास्ट रोड ऑफ द अर्थ यानी कि दुनिया की सबसे आखिरी सड़क पर जाना चाहोगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो अगर कभी जाने का मौका मिले तो मैं इस मौके को बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को एक लाइक करना। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल ज्ञान बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।